हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय क्लास। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये आपके सेक्स डिटर्मिनेशन से ही रिलेटेड हैं। तो अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएंगे तो आपको सेक्स डिटर्मिनेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। आउट ऑफ दीज 23 पेयर्स, 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड ओनली वन पेयर इज द सेक्स क्रोमोसोम विच एक्टिवली टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, इसको समझने से पहले हमको ये पता करना है कि एक्चुअली में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 के पेयर्स में से होते हैं। इन 23 पेयर्स में से आपके जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। उन्हें हम ऑटोसोम्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। ठीक है, अब जो 23 वाला पेयर्स है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम, और यही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है आपकी प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में। ठीक है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म होती है उसमें आपका ये जो 23 वाला पेयर है यही एक्टिव होता है और यही पार्टिसिपेट करता है। सेकंड है, बोथ मेल एंड फीमेल कैरी टू सेट्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। जो मेल और फीमेल होते हैं दोनों क्या करते हैं, दो सेट सेक्स क्रोमोसोम के कैरी करते हैं। मेल हैज वन एक्स एंड वन वाई। जो मेल होता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, जैसे कि आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ दिख रहा होगा एक्स वाई, यही सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और ये दोनों एक्टिव होते हैं। ठीक है, मेल में जो एक्स और वाई होते हैं ये दोनों एक्टिव होते हैं। फोर्थ है, फीमेल हैज वन एक्स। फीमेल में क्या होते हैं, जो दोनों होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये दोनों एक्स है तो सेक्स क्रोमोसोम इन विच वन इज एक्टिव, इन दोनों में से एक एक्टिव रहेगा जो पार्टिसिपेट करेगा। फिफ्थ है, द एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज फाउंड इन द ह्यूमन मेमल्स, इन सम इंसेक्ट एंड इन फ्यू प्लांट स्पीशीज। जो एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है, जो सिस्टम है, ये ह्यूमन्स में देखने को मिलता है, मेमल्स में, कुछ इंसेक्ट्स में और कुछ प्लांट स्पीशीज में देखने को मिलता है। सिक्स पॉइंट है, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिटेड एट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर। जितने भी चिल्ड्रंस हैं, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे उनमें जो एक्स क्रोमोसोम है वो उनको मदर से मिला है। ठीक है, डेस्पिट वेदर दे आर अ बॉय और गर्ल। ठीक है, वो बॉय होंगे तो भी उनमें एक एक्स क्रोमोसोम होगा, वो गर्ल होंगे तो भी उनमें एक एक्स क्रोमोसोम होगा जो उनको उनकी मदर से मिला है। दस द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर। तो क्या होगा, जो फादर से जो क्रोमोसोम मिलेगा वो डिसाइड करेगा कि जो होने वाला ऑफस्प्रिंग है उसका सेक्स क्या होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा। सेवन है, ए चाइल्ड हु इनहेरिटेड वाई क्रोमोसोम विल बी अ बॉय एंड हु इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम विल बी अ गर्ल। जो चाइल्ड वाई क्रोमोसोम कैरी करेगा, ठीक है, जिसमें वाई क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा वो आगे जाके मेल बनेगा या बॉय बनेगा, और जिसमें एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा वो फीमेल बनेगा। मींस फादर डिसाइड करता है कि ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा, क्या वो बॉय होगा या वो गर्ल होगा। ठीक है, एट पॉइंट है, अ मेल सीमन्स होल्स अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ वाई स्पर्म सेल्स। जो मेन होता है, ठीक है, उसके स्पर्म में, सीमन में, ठीक है, क्या होता है, 50% वाई स्पर्म होती हैं, सेल्स होती हैं। जो स्पर्म होता है मेन का उसमें 50% वाई स्पर्म सेल्स होती हैं एंड अदर 50% ऑफ एक्स स्पर्म सेल्स होती हैं, और जो अदर होती हैं 50% वो एक्स होती हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, तो जो एक्स होता है वो 50% वाई स्पर्म सेल कंटेंट करता है और जो वाई होता है वो 50% स्पर्म सेल कंटेंट करता है। देयरफॉर देयर आर पॉसिबल दैट मेन हैव थ्री और मोर चिल्ड्रन ऑफ अ सिंगल जेंडर। अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर आपको दिख रही होगी जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन को शो किया गया है, या हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन में सेक्स मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है। ये है मेल, ये है फीमेल। जैसे कि मेल में मैंने आपको बताया एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में दोनों एक्स एक्स होते हैं। ये एक्स वाई दोनों एक्टिव होते हैं बट फीमेल का केवल एक एक्स एक्टिव रहता है। ठीक है, जो एक्टिव होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। अब ये गैमेट है, मेल में एक्स वाई गैमेट है, फीमेल में एक्स गैमेट है। जब ये
एक्स वाला गैमिट फीमेल के एक्स वाले गैमिट से मिलेगा तो जो जायगोट बनेगा वो एक्स एक्स होगा, ठीक है, और इस जायगोट से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो फीमेल होगा, मीन्स एक्स एक्स मिलकर क्या बनाएंगे, फीमेल बनाएंगे। अब जब वाई एक्स से मिलेगा, ठीक है, तो जायगोट क्या बनेगा, एक्स वाई, और जो एक्स वाई है ये बनाएगा मेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि जो फादर है उसका वाई क्रोमोसोम डिसाइड कर रहा है कि होने वाला ऑफस्प्रिंग क्या होगा, या वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है। एक अनादर पिक्चर है मेरे पास जिसकी हेल्प से मैं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन और अच्छे से बता सकती हूँ। देखिए ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो गैमिट का फॉर्मेशन होगा, ये बात भी याद रखना, मियोसिस सेल डिवीजन होता है तब जाके गैमिट बनते हैं। ये गैमिट बने एक्स गैमिट वाई गैमिट और ये फीमेल के एक्स एक्स गैमिट। तो यहाँ पे एक्स की मेटिंग जब एक्स के साथ होगी तो डॉटर बनेगी, और जब वाई की मेटिंग एक्स के साथ होगी तो बॉय बनेगा या सन बनेगा, ठीक है। तो ये था प्रोसेस सेक्स डिटर्मिनेशन का। आई होप आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आई होगी। थैंक यू।